नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम पश्चिम बिहार दिल्ली। सो आज हम समझेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। मेरे से लोग बहुत अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, ये एंडोक्राइनोलॉजी क्या ब्रांच है, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक मेडिसिन के बाद में कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्रेन की प्रॉब्लम्स देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे ही एंडोक्राइनोलॉजी एक सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मेडिसिन की, जिसमें हम एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। ये एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स क्या हैं? बेसिकली हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम ग्रंथि भी बोलते हैं। ये ग्रंथियों का काम होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स को बनाना। जब ये हॉर्मोन्स में कोई भी इम्बैलेंस होता है, वो सारी प्रॉब्लम्स एंडोक्राइन डिजीज़ के अंडर आती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, जो सबसे कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक हॉर्मोन बनाती है इंसुलिन। जब उस इंसुलिन की कमी हो जाती है या वो इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं करता, तो आपको अलग अलग तरीके की डायबिटीज़ हो सकती है। अब इन सब डायबिटीज़ के बारे में हम अलग अलग डायबिटीज़ के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे हमारे आगे के वीडियोज़ में। बट अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम प्रैक्टिस में देखता हूँ, वो है डायबिटीज़, विच इज़ ए हॉर्मोनल डिजीज़। देन सेकेंड मोस्ट एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स आर थायराइड डिजीजेस। थायराइड अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे नेक के अंदर होती है। जब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, जो थायराइड हार्मोन बनता है बॉडी में वो कम मात्रा में बन सकता है या ज़्यादा मात्रा में बन सकता है, तो वो सब थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो हम 80% डिजीजेस देखते हैं, या तो वो डायबिटीज़ होती है ये थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, रेदर इसके अलावा शरीर में काफ़ी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जैसे हमारे नेक में ही थायराइड के साथ में एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, हमारे ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है पिट्यूटरी। आपने जो लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे, उन्होंने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से बॉडी के सारे हॉर्मोन्स कंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए कभी किसी को कोई पिट्यूटरी की प्रॉब्लम्स होती है तो उनको मल्टीपल पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, मल्टीपल बॉडी में हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो हम आजकल बात करते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम्स डेट मतलब जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, मोटापे की और ओबिसिटी की, क्योंकि ओबिसिटी भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है। सो दिस इज अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट इज एज पार्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। देन इसके अलावा और काफ़ी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम बच्चों में देखते हैं, जैसे बच्चों में यदि हाइट नहीं बढ़ रही है, शॉर्ट स्टेचर, या ग्रोथ की प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, बच्चों की जो एज के साथ में हाइट या वेट का जो ग्रोथ नहीं हो रही है, वो भी एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा बच्चों में जो एक टाइम के साथ सेक्सुअल मेच्योरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस, एक स्टेज के बाद उनमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या तो वो टाइम से पहले होने लगें या टाइम से नहीं हों, जिसको हम बोल सकते हैं या तो डिलेड प्यूबर्टी, लेट प्यूबर्टी की जो टाइम्स के साथ जो हार्मोनल चेंज होने चाहिए, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, उनमें नहीं आ रहे हैं, वो भी एंडोक्राइन डिजीजेस का पार्ट है। या काफ़ी बार वो टाइम से पहले होने लगते हैं, वो सेक्चुअली पहले से मेच्योर होने लगते हैं टाइम से पहले से, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसके अलावा कुछ बाकी बॉडी में हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी एंडोक्राइन डिजीजेस का पार्ट होती है। एड्रिनल की प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी बार बीपी बढ़ने लगता है, कुछ और तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी में, कुछ जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है उसका इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं,
मेल्स में होते हैं टेस्टिस और फीमेल्स में होती हैं ओवरीज, और ये हमारे मेल्स में मेल हार्मोन्स बनाते हैं और फीमेल्स में फीमेल हार्मोन्स बनाते हैं। और इन हार्मोन्स की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू है आपकी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। सो अगेन, इन यदि हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, जैसे मेल्स हमारे पास आते हैं काफ़ी बार, उनको मेल हार्मोन डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो भी ये भी एंडोक्राइन डिजीज़ का पार्ट है। सिमिलरली फीमेल्स हमारे पास काफ़ी बार आते हैं, जैसे कि फीमेल्स में एक बहुत कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा PCOD या PCOS, उसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, कुछ हार्मोन्स के इम्बेलेंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स जितनी बननी चाहिए उससे कम मात्रा में बनते हैं। जैसे जो हार्मोन्स कम मात्रा में बननी चाहिए, जैसे जो नॉर्मल मेल हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल्स में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, बट यदि वो ज़्यादा बनने लग जाएं, तो जैसे कभी काफ़ी बार हमने देख आप हमारे पास केसेज आते हैं जो लड़कियां होते हैं उनके अनवांटेड हेयर शुरू हो जाते हैं, जैसे फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा एक्ने आने लग जाते हैं, तो ये सब भी हार्मोनल डिजीजेस के ही पार्ट हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो एंडोक्राइन सब्जेक्ट है ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, वो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स बनाते हैं, और उन हार्मोन्स में यदि कोई भी इम्बैलेंस होता है तो उसमें हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू।